हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू 360 ज्ञान। दोस्तों, फाइनली आरआरबी एलपीएन टेक्नीशियन के जो टेक्नीशियन प्रोविजनल स्कोर एंड क्वेश्चंस पेपर विथ रिस्पांस की एंड फाइनल की जो दोस्तों लिंक थी, वे एक्टिव हो चुकी है। तो आप अपने मार्क्स चेक कर सकते हैं। तो किस तरीके चेक कर सकते हैं, वही सारी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। और कितने क्या मार्क्स यहाँ पर कैंडिडेट के नॉमिनेशन के बाद बढ़े हैं पार्ट बी में, वह भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखें। तो आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए एंड बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सकें। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने आरआरबी भोपाल की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर रखा है। तो यहाँ पर आपको और न्यू अपडेट CN नंबर 01/2018 एलपीएन टेक्नीशियन पोस्ट है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है 23 तारीख का, क्लिक है टू लॉग इन फॉर एलपी टेक्नीशियन प्रोविजनल स्कोर एंड क्वेश्चंस पेपर विथ रिस्पांस एंड फाइनल की। तो इस पर आपको दोस्तों क्लिक कर देना है। तो सिंपली क्लिक करने के बाद आपको आपको लॉग इन का ऑप्शन से आता है, कैंडिडेट लॉग इन का। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, पहले डेट, फिर मंथ, पहले ईयर। फिर यहाँ पर डालने के बाद आपको सिंपली लॉग इन कर देना है। तो दोस्तों, हम एक कैंडिडेट का यहाँ पर लॉगिन करके आपको बता देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉगिन हो चुका है। तो सबसे पहला ऑप्शन आपको यहाँ पर आ रहा है एग्जाम इन्फॉर्मेशन, दूसरा ऑप्शन आ रहा है प्रोविजनल स्कोर कार्ड पार्ट ए, प्रोविजनल स्कोर कार्ड बी, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले हम क्लिक करते हैं प्रोविजनल स्कोर कार्ड। तो दोस्तों, हमने क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं टोटल अटैम्प्ट कितने किए गए थे, 67 यहाँ पर अटैम्प्ट किए गए, जिसमें से 43 करेक्ट थे। टोटल लोग यहाँ पर 24 थे और यहाँ पर 3 क्वेश्चन इग्नोर हैं, मतलब टोटल वैलिड क्वेश्चन यहाँ पर बचे 97। तो ओवरऑल मार्क्स यहाँ पर आए 35 कैंडिडेट के, और आउट ऑफ प्रायोरिटेड मार्क्स यहाँ पर आए 36, और नॉर्मलाइजेशन के बाद यहाँ पर मार्क्स हो गए हैं 42, मतलब 6 नंबर इसमें नॉर्मलाइजेशन के बाद इस कैंडिडेट के इंक्रीज हो गए हैं पार्ट ए में। और एग्जाम पीरियड भी यहाँ पर दोस्तों दिखाई दे रहा है आपको, फिजिक्स एंड मैथ। अब बात करते हैं दोस्तों पार्ट, तो दोस्तों आपको सिंपली पार्ट बी पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप पार्ट बी पर क्लिक करेंगे, तो आपको जो पार्ट बी के स्कोर हैं वे आपको यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपन हो चुका है। टोटल अटैम्प्ट आपने यहाँ पर किए थे 40, जिसमें से आपके 15 क्वेश्चन रॉन्ग थे, करेक्ट थे 15, माफ़ी चाहूँगा, 15 क्वेश्चन यहाँ पर करेक्ट थे, जिसमें से टोटल रॉन्ग क्वेश्चन थे 25, एक क्वेश्चन इग्नोर था। टोटल वैलिड क्वेश्चन यहाँ पर थे 74। आपके जो रो मार्क्स आए हैं, एक्चुअल मार्क्स आए, वे आए 6.67, और यहाँ पर प्रोरेटेड मार्क्स यहाँ पर आए हैं, वे आए 6.87, और आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद यहाँ पर मार्क्स हो जाते हैं 10.20, मतलब दोस्तों काफ़ी कम यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन के बाद इनके कैंडिडेट इस कैंडिडेट के यहाँ पर इंक्रीज हुए हैं, और मात्र 4 नंबर ही इसमें इंक्रीजमेंट हुआ है। और यहाँ पर एग्जाम ट्रेड भी यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, फिजिक्स एंड मैथ, मतलब दोस्तों यहाँ पर इस यह कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो गया है, क्योंकि इसके जो पार्ट भी हैं वहाँ पर इसको मार्क्स यहाँ पर लाना था 26.25 मार्क्स यहाँ पर लाना थे, बट कैंडिडेट क्या है यहाँ पर 10 मार्क्स, तो यह कैंडिडेट दोस्तों डिस्क्वालीफाई हो गया है। तो आइए अब दोस्तों, आपको यह जानकारी पसंद आई है, जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।